गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम विजयन विक्टर है, रामचंद पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में लैब ट्रेनर है। आज हम लोग हीमेटोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। अब जैसे हम लोगों ने बात किया था पिछले अध्याय में, हीमोग्लोबिन करना, टीएलसी डीएलसी करना, प्लेटलेट काउंट करना, उसके बाद अब जब सीबीसी एक जाँच होती है, कम्प्लीट ब्लड काउंट, उसके अंतर्गत आप जब कभी देखेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा जाँचें होती हैं, जिसमें एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी, जो कि इंडिकेशन होता है रेड ब्लड सेल का, उसके विषय में बात किया जाता है। अब तो ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, पहले इसको मैन्युअली कैलकुलेट करके दिया जाता था। आइए हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, फंक्शन के आधार पे हाइपोप्लोरीफेरेटिव डिस्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, हाइपो मतलब कौन, प्लोरीफेरेटिव मतलब प्रसार होना, डिस्ट्रक्शन टूटना, मतलब आरबीसी जो होता है कि उसमें बहुत कम प्रसार हो पाता है, उसका बोन मैरो में इसकी प्रॉब्लम होती है। दूसरा है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, कॉजेज ऑफ एनीमिया, एनीमिया जिसमें आयरन डिफिशेंसी एनीमिया होती है, ब्लड लॉस होता है, हीमोलिसिस होता है, किसी को इंटरनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, या जैसे महिलाओं में महावारी के समय होता है तो क्रॉनिक ब्लड लॉस होने की संभावना होती है, इसमें क्लिनिकल क्लासिफिकेशन आ जाएगा। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, हम लोग क्वांटिटेटिव के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से कैसे बता सकते हैं, हीमेटोक्रिट एक जाँच होती है जिसे हम लोग पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम नाम से जानते हैं। दूसरा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो भी एनीमिया जाना जाएगा। तीसरा ब्लड सेल इंडिकेट, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। चौथा रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट क्या होता है कि जो हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, उसकी सेकंड लास्ट अवस्था है जिसमें रेटिकुलोसाइट का निर्माण होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेड सेल इंडिकेट एमसीवी, एमसीवी का मतलब होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, इसका क्या काम है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, टोटल आरबीसी जो हमारे शरीर में है उसका एवरेज वॉल्यूम कितना है, इसका फार्मूला है एचसीटी ऑब्लिक आरबीसी काउंट इनटू 10। एचसीटी मतलब पीसीबी, पीसीबी में भाग दे देंगे, आरबीसी काउंट जितना रहेगा उसमें 10 से गुणा कर देंगे, जो आएगा हम लोग का एफएल में आएगा। एफएल मतलब फिम्टोलीटर, एफ आई एम टी ओ, फिम्टोलीटर, एल आई टी ई आर। एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए, हमारा एस सी टी या पी सी वी 40 है, आर बी सी काउंट 5 है, 5 मिलियन, तो हमारा एम सी वी कितना आएगा, 40 भागे 5 गुणे 10 बराबर 80 एफ एल, मतलब 80 फिम्टोलीटर आ जाएगा। एम सी वी हमारा जो होता है 80 से 96 फिम्टोलीटर नॉर्मल होता है। एम सी एच, एम सी एच क्या है, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, इसका क्या काम है, एवरेज कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरेज आरबीसी, एवरेज सामान्य आरबीसी में मतलब कितनी, जितनी आरबीसी हमारे शरीर में उसमें कितना हीमोग्लोबिन है उसको बताता है ये एमसीएच। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी साइज, ये सीधी सीधी समानुपाती है आरबीसी और हीमोग्लोबिन और आरबीसी के साइज पे। इसका फार्मूला है हीमोग्लोबिन बटे आरबीसी काउंट गुणे 10, जो आएगा पीजी में आएगा। हीमोग्लोबिन मान लीजिए किसी 14 है, आरबीसी काउंट 4 है, तो 10 से गुणा कर देंगे तो जो आएगा पीजी में होगा। जैसे एग्जांपल ये है, 14 भागे 4 गुणे 10 आ गया 35 पीजी, नॉर्मल रेंज होता है 27 से 32 पीजी। ये यहाँ पीजी का क्या काम है, पीजी का मतलब होता है पिकोग्राम, पी आई सी ओ पिको जी आर एम। अगला आता है हम लोग का एम सी एच सी, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, एक्सप्रेस द एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, एक यूनिट आरबीसी के वॉल्यूम में कितना हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन है, सांद्रता है, उसको बताता है ये। इट डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ हीमोग्लोबिन टू वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, आरबीसी का वॉल्यूम जितना होगा उसमें हीमोग्लोबिन का वजन कितना है ये बताएगा ये। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण है, फार्मूला पहले देखते हैं, फार्मूला है हीमोग्लोबिन भागे पीसीवी या एचसीटी गुणे 100। हीमोग्लोबिन किसी के 14 है, एचसीटी 45 है, तो 14 भागे 45 गुणे 100 बराबर आ गया 31%। ये कंसेंट्रेशन है, सांद्रता है, ये प्रतिशत में जाएगी, ये परसेंट में जाएगा। इसका नॉर्मल रेंज है 32 से 36%।